एक दिन सुरेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी और कुछ दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। बहुत तेज भूख के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश कर रही थी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए साहब आइए, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूरी कचौड़ी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? भाई साहब, जो भी अच्छा खाना बना हो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने रख कर जाने लगता है। तभी सुरेश ने उसे आवाज़ दी, भाई पानी भी रख जाना है। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई, ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर हैं। वहाँ टेबल एकदम गंदी, कमरों में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। सुरेश बहुत डर गया, वो सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। मालिक ने कहा, ये भूतिया ढाबा नहीं है, ये तो बस रामू है, हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में ये योगा बहुत ज़्यादा करता है तो इसकी गर्दन लचीली है, और देखो आज फिर से डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना, यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर हैं इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं, गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। सुरेश सब समझ जाता है और वो बिना कुछ बोले रोटी चावल छोले पनीर और फिर लस्सी सब चट कर दिया। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोला, रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों, आगे क्या लुटेरे हैं, क्या ये रास्ता सुरक्षित नहीं है? ना, अब आगे इससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं, इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है, 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। इस रास्ते पर आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा, वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रम जाल है। बहुत पहले यहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे वहाँ कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगवाया तो ढाबा मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत खराब गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया, उस लड़की से बदतमीजी की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था जिससे उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके, उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए, पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला तो आत्महत्या कर केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें उसी चाकू से मार देते हैं, ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। कहानी सुनते सुनते सुरेश को नींद आ गई और वहीं टेबल पर ही सो गया। मालिक भी रजाई लेकर वहीं बगल में आकर सो गया। सुबह सुरेश ने नाश्ता किया और निकल गया। वो जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई, मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था, इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ है, क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो।
फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े हैं। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई, एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, वो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते हों और वहाँ की ज़मीन एकदम खाली थी। उसे लगा कोयला यहीं लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। अगली रात उसी रास्ते से वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था तो क्रॉसिंग के बगल लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था। सुरेश वहां गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछ कर निकलने लगा तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और सुरेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मानो, ये रास्ता रात में जाने लायक नहीं है। रास्ते में भूतिया ढाबा है जो ज़बरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएंगे और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। चाचा जी, मैं नहीं रुक सकता, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर भूत से भी लड़ सकता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपनी कार से आगे निकल गया। 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते खून के निशान मिलने लगे। ये देखकर सुरेश डर गया और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर खून के निशान बंद हो गए, लेकिन खंभे पर लगी लाइट चालू बंद होने लगी और बंद हो गई। अब गाड़ी की स्पीड और धीमी करनी पड़ी। अचानक रास्ते में बैरिकेड आ गए जिस पर लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदलें। और कुछ दूर आगे चलने पर अजीबोगरीब लोग हवा में उड़ रहे थे, उनके हाथों में हल और सड़क में काम आने वाले औजार थे, जिसके बाद सुरेश को लगा कि शायद उसे ढाबे वाले मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। सुरेश ने गाड़ी पीछे की, लेकिन सुरेश को लगा जैसे किसी ने उसकी गाड़ी पकड़ ली हो। उसने गाड़ी और स्पीड से चलानी शुरू कर दी। 10-12 किलोमीटर बाद उसने बगल में ढाबा देखा। काफ़ी चहल पहल थी, वहाँ बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भूतिया ढाबा होगा। सुरेश ने गाड़ी रोकी और वहाँ ढाबे पे गया। उसके अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, बत्ती बंद हो गई। किसी ने तो अपने फ़ोन टार्च ऑन किया और फिर सुरेश ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। सुरेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं। उसके सिर में किसी ने तेजी से मार दिया, वो बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसके मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। आधे घंटे के अंदर वहाँ पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई। उन्होंने सुरेश को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा। वहाँ टॉर्च लाइट से लोगों की खोज करने लगे। ऊपर लोग अभी भी उड़ रहे थे और पुलिस वाले को लाइट बटन मिल गया। उसने तुरंत लाइट चालू कर दी। सारे भूत गायब हो गए। कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर पकड़े गए। उनके पास से शमशान से लाए हुए कंकाल और कुछ मुर्दों की खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हॉस्पिटल में सुरेश को मीडिया वाले के कैमरे ने घेर लिया था। एक पत्रकार ने सवाल किया, सर आपको कैसे पता चला कि भूतिया ढाबा के नाम पर स्कैम चल रहा है, आपने कैसे इसका पर्दाफाश किया? जब मैंने उस दिन वो मालगाड़ी देखी थी तभी मुझे समझ में आ गया था। फिर मैंने अपने मित्र रमेश से बोला, वो पुलिस में बड़ा ऑफिसर है। तब हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें एक तरफ से वो अपनी टीम लेकर आ रहा था और दूसरी तरफ से मैंने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन किया था। मैं जहाँ जहाँ जा रहा था सब कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए और सुरेश को इस भाभी के लिए 1,00,000 रुपये का इनाम देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप लोग नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।